नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत का सबसे पुराना रेलवे ट्रैक कौन सा है, यानी कि रेलवे मार्ग कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत में 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और इसका जो पूरा ट्रैक है वो करीब 225,000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये सबसे पुराना रेलवे ट्रैक कौन सा होगा। तो दोस्तों, जो सबसे पुराना रेलवे ट्रैक है वो एक्चुअली एक जगह ही स्टार्ट नहीं हुआ, वो उसी समय में लगभग 4 देश के अलग अलग कोनों में स्टार्ट हुआ। अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं तो पश्चिम भारत में बॉम्बे से थारे जो है वो पहली रेलवे ट्रैक बनी। यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली। यह ट्रेन जो थी वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा संचालित थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, आज़ादी के पहले भारत में एक दो नहीं दर्जनों रेलवे कंपनियां थी जो प्राइवेट थी और जो रेलवे का संचालन अलग अलग मार्गों पे या अलग अलग डिवीजन पे करती थी। हम जो आज पूरा रेलवे देखते हैं, भारतीय रेलवे, वो आज़ादी के बाद का है। इसके पहले तो अलग अलग कंपनियां संचालित करती थी। इसी तरह दोस्तों, पूर्वी भारत में अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भारत में हावड़ा और हुबली के बीच 24 मील लंबा रेल रूट बिछाया गया, जो 15 अगस्त 1854 को शुरू किया गया। इसे ईस्ट इंडियन रेलवे चलाती थी। और दक्षिण भारत में व्यास पार्टी जीवी निलियम से वालाजह रोड के आसपास, जो आरकोट के पास है, 63 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया गया, जो 1 जुलाई 1856 को शुरू हुआ। इसको मद्रास रेलवे कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी, जो चलाती थी। ऐसे ही दोस्तों, उत्तर भारत में इलाहाबाद और कानपुर के बीच में 119 मील लंबा रेलवे ट्रैक शुरू हुआ, जो 3 मार्च 1859 को शुरू किया गया। इसको भी ईस्ट इंडियन रेलवे चलाती थी। और उसी समय कोलकाता से दिल्ली के लिए भी एक रेल रूट शुरू किया गया, जो 1865 में शुरू हुआ। इसकी पहली ट्रेन ये थी, वो कोलकाता से दिल्ली के बीच चली, 1 अप 2 डाउन, मतलब ईस्ट इंडियन रेलवे की जो थी मेल थी ये ट्रेन, और इसका जो नंबर था 1 और 2, यानी 1 अप और 2 डाउन था। ये 1866 को शुरू हुई, हालांकि लाइन जो थी वो 1865 को ही बिछ गई थी। दोस्तों, अगर हम इस तरह से देखें और कहें कि भारत में पहली रेल कहाँ चली, तो हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि भारत में पहली रेल बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, क्योंकि सन के हिसाब से अगर आप देखते हैं दोस्तों तो पहली रेल यही चलती है। हालांकि दूसरी रेल जो है वो हावड़ा और हुगली के बीच चलती है 1854 में, यानी लगभग 1 साल बाद। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में पहली बार रेलवे ट्रैक कहाँ कहाँ बिछाया गया और कौन कौन सी ट्रेन चली। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी बात आपके दिमाग में चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नया ज्ञान लेके। बाय बाय दोस्तों।